और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं आशा करता हूं आप लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैंने आई बटन में पिन कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है विद 100% एक्यूरेसी और उसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी और आप मेरे बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। उसके लिए आप फेसबुक पर मुझे सर्च कर सकते हैं त्रिवेदी अमन 25। अगर आप सर्च करेंगे @ त्रिवेदी अमन 25 अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको वहां से मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा और वहां से आप उसे लाइक कर सकते हैं, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। दूसरी बात है आपके टेलीग्राम चैनल की, अगर आपने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट PDF और डेली का असाइनमेंट वगैरह शेयर करता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। तीसरी बात आती है डेली असाइनमेंट की, तो अगर आपने डेली असाइनमेंट आप चाहते हैं तो amantrivedi.com पर जाके आप डेली असाइनमेंट्स को सब्सक्राइब डेली असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको www.amantrivedi.com पर जाना है और वहां से आपको डेली असाइनमेंट मिलेंगे जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के देता हूं। यहां तक तो बात हुई, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्यों ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरा जंबल से करीब 20 से 25 मार्क्स आपका आएगा, इसलिए ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं पार्ट वन में जितना पढ़ाया था उससे कुछ समझ में आया होगा। अगर आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सटेंसिव बैच कोर्स फॉर SSC CGL प्री एंड मेंस 2019 ये बैच मेरा लॉन्च है। 16 अगस्त से बैच शुरू है, 31 अगस्त तक ये बैच चलेगा, 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा। तो पूरी तरीके से 2019 की तैयारी इस बैच में हो जाएगी। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस पर आप जा सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। यहाँ पर 12 मंथ का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ₹5,000 का सब्सक्रिप्शन मिलता है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अमन त्रिवेदी, उसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट्स को अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो ये जो कॉस्ट 5,000 दिख रही है ये 5,000 से कम होकर ₹4,050 तक आ सकती है अगर आप इन्हें आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं। सो यूज़ माई रेफरल कोड जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं सभी के सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पैरा जंबल्स आस्क्ड इन SSC CGL Tier-1 2018 एग्जामिनेशन। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम बात कर रहे हैं पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस की जो कि आपके CGL Tier-1 2018 में पूछे गए हैं। कल मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आई बटन में वीडियो पड़ी है, उसे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आप में से कई लोगों ने कहा है सर क्लोज टेस्ट का करिए, RC का करिए, एक्टिव पैसिव नरेशन। दोस्तों सारी चीजें हो जाएंगी और आपने सारे आपके सजेशंस नोट हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने कहा सर क्वेश्चंस डिफिकल्ट कीजिए, वो भी सर हो जाएंगे। एक बार हम पहले 2018 के जितने आए हैं वो लोग वो क्वेश्चंस एक बार हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज है एक बारी पैरा जंबल खत्म होगा तो क्लोज टेस्ट की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव और नरेशन चार टॉपिक्स तो मैं आपके कवर करवा के जाऊंगा इस वीडियो इस चैनल पर। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। फिलहाल आप इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं बेसिकली। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो इसको कह रहा है एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाई वाटर एड। Around 4 billion people in the world live in physically water scarce areas. It is because globally we use 6 times as much water today as we did 100 years ago. This the world's water crisis is getting worse. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन देखिए, यहाँ B से शुरू करता है, यहाँ C से, यहाँ D से, यहाँ B से। दो ऐसे ऑप्शन है जहां पर सेंटेंस बी से शुरू हो रहा है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेंटेंस बी से शुरू हो रहा होगा। यहां पर इसका इस्तेमाल कर रहा है इट का, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा ये इट किसकी बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहता है अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन वाटर स्कार्स एरियाज। 4 बिलियन लोग जो है वाटर स्कार्स एरियाज में रहते हैं। अब आप बताइए मिलियन बड़ा होता है कि बिलियन? दोस्तों बिलियन बड़ा होता है। अगर बिलियन बड़ा है उसमें से 844 मिलियन जो है उन्हें क्लीन वाटर की एक्सेस नहीं है घर के पास में, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वाटर एड। यानी कि अगर हम सेंटेंस बी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या आएगा? ए, क्योंकि भाई 4 बिलियन में से 844 बिलियन की बात कर रहा है। तो यहां तक आपको यानी कि क्लियर है कि दो फिगर्स दिए हैं, इसका मतलब ये दोनों आसपास आएंगे, बी के बाद आ जाएगा ए।
अब अगर बी के बाद ए आता है तो ऑप्शन हमारा एक ही रखा है जिसको जो हमारा डायरेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अगर आप उसको और देखना चाहते हो तो मैं आपको और एक लॉजिक देता हूं। अगर आप डी को देखो तो कहते हैं द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस गेटिंग वर्स, इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 times एज मच वाटर टूडे एज वी डिड 100 years ago। तो इट इज बिकॉज मतलब वॉट इज बिकॉज कहने का मतलब है जो वाटर क्राइसिस है कि ये वर्स इसलिए जा रही है क्योंकि ग्लोबली हम 6 times पानी इस्तेमाल करते हैं जितना कि हम 6 पहले करते थे 100 years ago। तो इट इज बिकॉज मतलब वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स बिकॉज वी यूज 6 times, यानी कि इसका रीजन इसने यहां दिया है, यानी कि डी के बाद में क्या आएगा सी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए पार्ट। आसान सा सवाल था ये क्वेश्चन, आसानी से आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक बार हम ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे उसके बाद में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और बताना होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, वीडियो से जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको कुछ तरीके पता चल रहे हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कैसे हैं। जैसे आप में से कई सारे लोग ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, देखिए अच्छा लगने से नहीं होता है लॉजिक, लॉजिक से चीजें बनेंगी, अच्छा लगने से आपका आंसर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और फिर हम आगे चल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से। कह रहा है मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया, देयर वाज अ बंपर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स, इट रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप much to the delight of buyers and sellers alike. 2017 proved to be a very good year for mango lovers. Dhyan dijiye. It resulted in prices coming down and sales going up. Ab aapko ye dekhna padega ye it kiski taraf ishara kar raha hai. Dusri cheez hai A mein kehta hai mango the so called king of fruit is something of a national obsession. To ye ek tarike ka general statement dikhta hai, yani ki ya to ye sentence ki shuruaat mein aayega या एंड में आएगा, एंड में कहीं पर ए आ नहीं रहा है इसका मतलब शुरुआत में ही आएगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे, अगर इन दो ऑप्शंस को देखें तो यहां पर सेंटेंस की बात हो रही है ए डी से, अगर हम सेंटेंस अब बाकी के जो दो ऑप्शन है वहां सी से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस को सी से शुरू करेंगे तो हमें पहले देखना पड़ेगा इट किसकी बात कर रहा है, तो सी कैन नेवर बी द फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। बचे हमारे दो ऑप्शन जिसमें हमने ए डी तो ऑलरेडी दे रखा है, मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया, 2017 प्रूव टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, यानी कि ए के बाद आ जाएगा डी। अब 2017 मैंगो लवर्स के लिए अच्छा साल रहा, क्यों? क्योंकि देर वॉज अ बंपर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स, चूंकि इसकी जो मैंगो की जो बंप क्रॉप जो है बंपर हुई थी, अब जब क्रॉप बंपर हुई तो उस वजह से क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप। तो अगर किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो सेल है आपकी वो बढ़ेगी और आपका जो आपकी जो प्राइसेस हैं वो कम आएंगे, यानी कि डी ए डी बी सी हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा सी पार्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी लोगों को, आसान था ये सवाल भी। तो इसी तरीके के सवाल बेटा आपको टीयर टू में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपका ये कहना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करिए, देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, जैसे आप लोग अभी एसटी वगैरह में देख रहे हो, भाई वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर आपको सिर्फ डिफिकल्ट सवाल लगवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यही प्री में आए हैं, इसी तरीके के टीयर टू में भी आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अराउंड 600 million ऑफ देम live in areas of high to extreme water stress. India is suffering from the worst water crisis with 1 billion people living in the water scarcity. This is even more than that of China and US combined. The reason is that at 24%, India uses the most groundwater drawn out completely. The reason is that at 24%, India uses the most water underground groundwater ड्राउन आउट ग्लोबली। तो ध्यान समझिए इस बात को, यहां पर क्या कह रहा है आपका, द रीजन इज दैट 24% ऐसा ऐसा कह रहा है, यहां पर इसने किसी बात का रीजन बताया है। अगर आप किसी चीज का रीजन बताते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज का कॉज का रीजन बताओगे, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहां पर कह रहा है 1 billion पीपल, यहां कह रहा है 600 million, अब तक तो ये बात समझ में आ गई होगी, पहले क्या आता है बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। तो इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 billion पीपल लिविंग इन द वाटर स्कार्स एरियाज।
अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम, यानी कि इस 1 बिलियन में से करीब 600 मिलियन लोग एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस वाली जगह पर रहते हैं. तो बी के बाद आ जाएगा ए. ठीक, अब देखो क्या अब कह रहा है, इस द रीजन इज दैट 24% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली. यानी कि इंडिया जो है 24%, भारत सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है ग्राउंड वाटर को. तो यानी कि जो इन दोनों चीजों का रीजन क्या है वो हमने डी में बता दिया. और जो ये 24% है ये चाइना और यूएस को कंबाइन करने से भी ज्यादा है. तो यानी कि डी ए डी सी हो गया. तो आंसर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इज द राइट आंसर. बात समझ में आई. मैं आपको दोनों तरीकों से सवाल करके दिखा रहा हूं. पिछला वाला सवाल हमने ऑप्शन से किया, इस वाले सवाल को हमने सीधे सीधे से किया. अगर इसे भी हम ऑप्शन से करना चाहेंगे ऑप्शन से ये भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन से ये सवाल बहुत आसान इसलिए था, अगर आप बी को देखो, बी के बाद में बेटा क्या मैंने बताया, ए. अगर बी के बाद ए आ रहा है तो यहां तो नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, आंसर क्या बना, फर्स्ट. तो ऑप्शन से ये सवाल और ज्यादा आसान है अगर आप करोगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट. द लूनर ईयर ऑफ द पिग बिगेन ऑन 5th February. Others burnt the first joysticks of the year to bring them good fortune. Some performers re-enacted historical ceremonies. ध्यान से समझिए, मैंने कुछ जब आपकी चीजें जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन करी, जैसे कि यहां पर इट. अब मुझे ये देखना है ये इट किसकी बात कर रहा है. इट में बात कर रहा है आपके इस लूनर न्यू ईयर की, यानी कि लूनर न्यू ईयर जो 5 February को शुरू हुआ चाइना में, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने उसे मनाया. यानी कि बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा. बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा. अगर बी के बाद ए आएगा तो क्या यहां पर बी के बाद ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, हटा सकते हैं इसे. बी के बाद ए आ रहा है, नहीं आ रहा है. यहां पर एटलीस्ट बी के बाद में ए है, भले तुरंत बाद नहीं है बट एटलीस्ट है. तो एक बारी और देख सकते हैं, दूसरा लॉजिक देखते हैं. दूसरा लॉजिक यहां कहता है सम परफॉर्मर्स री इनएक्टेड हिस्टोरिकल मेमोरीज सेरेमनीज अदर्स बर्न, यानी कि कुछ ने ऐसा किया, कुछ ने ऐसा किया. यानी कि डी के बाद क्या आएगा, सी. अगर डी के बाद सी है और बी के बाद ए है तो आंसर हमारा क्या बन रहा है बेटा, आंसर इज 4th. समझ में आया. तो वो लॉजिक तो मैंने पहले ही दे दिया था, मैं बस आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने 4th तक गया. अदरवाइज आंसर तो आप पहले ही मार्क कर सकते थे. ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट. कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट. कनाडा जो है करीब 1/3 जो है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट का अकाउंट करता है. ठीक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फॉर कनाडा फॉर मोर देन अ सेंचुरी. तो कनाडा, कनाडा का हमें लिंक मिला. अ लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनीफेरस ट्रीज. पल्प एंड पेपर आर द टू इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ध्यान से देखिए, यहां फॉरेस्ट प्रोडक्ट आया, यहां पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट आया. यानी कि डी और बी का लिंक हुआ, या तो डी बी होगा या बी डी होगा. अभी हमने इस पे नहीं गए लेकिन डी बी का लिंक आया. डी बी का लिंक मुझे कहां मिल रहा है, क्या यहां मिल रहा है, क्या यहां मिल रहा है, क्या यहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है. तो ऑप्शन डी को मैं एक बार चेक करूंगा. कहते हैं लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनीफेरस ट्रीज. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम्स ऑफ कनाडा फॉर मोर देन अ सेंचुरी. पल्प एंड पेपर आर द टू इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो सी बी डी हो गया. उसके बाद क्या कहता है, कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट. तो ये हमें मिला लेकिन हम वी आर नॉट टोटली कन्विंस्ड विद दिस कि हम कि ये आंसर सही है. ठीक है, तो एक बारी और ऑप्शंस को चेक करते हैं क्योंकि अगर आप कन्विंस नहीं है तो यू विल गिव इट मोर टाइम. सो लेट्स डू इट. ऑप्शन देखो, यहाँ बी से शुरू कर रहा है, यहाँ ए से शुरू कर रहा है, यहाँ डी से, यहाँ सी से. तो चारों ऑप्शन अलग अलग तरीके से शुरू कर रहा है. अगर हम ऑप्शन को ए से शुरू करें तो ए में कह रहा है आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फॉर कनाडा फॉर मोर देन अ सेंचुरी. अ लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनीफेरस ट्रीज. अब इस चीज को देखो, ऑप्शन नंबर जो सी है ये कैसा है, एक जनरल स्टेटमेंट है. ऑप्शन नंबर सी कैसा है, इट इज जनरल स्टेटमेंट. अगर ये जनरल स्टेटमेंट हमें दिखता है तो इसका मतलब है कि जो सी है वो आपका शुरुआत में आना चाहिए, बीच में नहीं आएगा. अगर शुरुआत में आएगा तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है. तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, 4th इज द राइट आंसर. अ लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनीफेरस ट्रीज.
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोनिफेरस ट्रीज हैं इसलिए वहां पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो काफी एक्सपोर्ट आइटम है चाइना में मोर देन अ सेंचुरी से. पल्प एंड पेपर जो है दो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं. चाइना अकाउंट्स फॉर कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट. ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका डी पार्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलीडे ऑफ अ लाइफ टाइम टर्न्ड इनटू अ डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 1300 पैसेंजर्स ऑन अ क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे. द नॉर्वेनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द पैसेंजर्स विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स. The ship broke down in rough seas and high ship speed winds caused it to rock heavily from side to side. From the first 371 evacuated passengers, 17 had to be taken to hospital. अब ध्यान दो, करीब 1300 passengers के साथ चला, यहाँ evacuate करने की बात हुई, यहाँ पर evacuate करने की बात हुई. अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द नॉर्वेनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द पैसेंजर विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स. फिर फ्रॉम द 371 इवैक्यूएटेड पैसेंजर्स, यानी कि बी के बाद क्या आ रहा है, डी. अगर बी के बाद में डी आ रहा है तो ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं, हटा दीजिए. ठीक, तीन ऑप्शन में है हमारे. अब देखो ध्यान से, द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज. भाई ब्रोक डाउन तो बाद में होगी, पहले उनको चढ़ने तो दो. तो उसके लिए पहले क्या आएगा, ए, फिर आएगा सी. अगर पहले ए आएगा फिर सी आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, बी डी. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ए सी बी डी इज द राइट आंसर. बहुत आसान था इसमें पहुंचना, यहाँ इवैक्यूएट था, यहाँ इवैक्यूएट था. जैसे ही मुझे लिंक मिला मैंने उनको आसपास रख दिया. जैसे ही मैंने उसे आसपास रखा तो हमें बाकी का सेंटेंस बनाने का तरीका मिल गया, क्योंकि ऑप्शन ए में एक जनरल स्टेटमेंट था, उसके बाद शिप जो है टूटा. तो शिप बाद में टूटेगा, पहले एटलीस्ट वो चढ़ेंगे. तो आंसर क्या बनेगा, ए सी बी डी इज द राइट आंसर. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्या लिखा, इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज. इट स्ट्रेचेज फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. इट, यहां क्या लिखा है, यूएसए, यहां लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर आपने कल वाला मेरा एक वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी जिसे हम कहते हैं छोटा राजन अप्रोच. छोटा राजन अप्रोच के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि छोटा राजन अप्रोच जो है वो किसके लिए आती है. छोटा राजन अप्रोच जो है वो आपकी आती है इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए, जैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा, यहाँ यूएसए लिखा. तो ये हमारा लॉजिक कहता है पहले आएगा डी और उसके बाद में आ सकता है सी. पहले सी और पहले डी नहीं आएगा, जैसे यहाँ कर दिया, हटा दो इसको. यहाँ पहले डी सी लिखा, ठीक है, यहाँ पहले सी डी कर दिया, हटा दीजिए. दो ऑप्शन हमारे पास बचे. अब दूसरी बात हो जाती है, यहाँ सेंटेंस इट से शुरू है तो भाई इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यूएसए की तरफ. अगर इट यूएसए की तरफ इशारा कर रहा है तो पहले यूएसए को हम रखेंगे, इट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे. जैसे ही इसे एलिमिनेट किया हमारा ऑप्शन ए की बचा, दैट इज फोर्थ. आंसर क्या हुआ, डी बी सी ए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. तो आंसर क्या हुआ, फोर्थ. समझ में आया इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से, ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल आपका ये है, क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज, अब ये तो हमने कर लिया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. सिंस देन बोइंग हैज रिसीव्ड ओवर 5000 ऑर्डर्स फॉर द एयरक्राफ्ट एंड हैज डिलीवर्ड 371 टू डेट. मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017, Boeing had huge hopes for its 737 Max aircraft and viewed it as a key part of its future. However, the company's market value has plummeted by nearly $26 billion since the crash in Ethiopia. Attempt करिए इस क्वेश्चन को, इसको वीडियो को पॉज करके और फिर आगे बढ़ते हैं. तो अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आगे बढ़े. The Max first started flying commercially in 2017. Boeing, देखो यहां क्या लिखा है, Max. Boeing had huge hopes for its 737 Max. यहां पर ये जो Max है ये इसी के बारे में तो बात कर रहा है. आपको मैंने छोटा राजन अप्रोच बताई. छोटा राजन अप्रोच क्या कहती है, पहले आएगा C फिर आएगा B, क्योंकि यहां आएगा पहले पूरा नाम, यहां आएगा फिर छोटा नाम.
अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता है तो जो आई बटन में वीडियो पड़ा है कल मैंने जो बनाया था उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो पहले आएगा आपका सी, फिर आएगा बी। अगर पहले सी आएगा फिर बी आएगा तो ये हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, ये सही है, ये सही है। दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। आगे बढ़ो, कहता है यहां पर आपका, हाउएवर द कंपनीज मार्केट वैल्यू हैज प्लमेटेड बाय नियरली $26 बिलियन। हाउएवर का मतलब होता है आपका कि नॉट विद स्टैंडिंग या डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, यानी कि जबकि इसके बावजूद कंपनी की जो वैल्यू है वो इतनी इतनी गिर चुकी है। तो यानी कि सेंटेंस जो है वो डी से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि डी जो है एक कंक्लूजन वाला सेंटेंस है। कभी भी सेंटेंस में आपको हाउएवर, देयरफॉर, हेंस या इस तरीके का अगर कोई भी वर्ड दिखे तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड। ये हमेशा एंड की तरफ आते हैं, एंड में आते हैं आपके। तो यानी कि डी कहां पर आएगा, एंड में। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, ए की, दैट इज सी बी ए डी, विदाउट कनेक्टिंग। आप देख रहे हैं हमारी ट्रिक से सवाल हो रहा है। बोइंग हैड ह्यूज होप्स फॉर 737 मैक्स एयरक्राफ्ट एंड व्यूड इट एज अ की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर। मैक्स स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017। However, the companies, उसके बाद कहता है सब तब से करीब इतने ऑर्डर्स उसको मिल चुके हैं लेकिन कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी गिर चुकी है जब से क्रैश हुआ है यूथोपिया में। तो आंसर क्या हुआ, बी। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इट हैज बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Because of its enormous output, the United States has major share in world trade. It is also a leader in the development and application of innovative technology. ध्यान से देखिए, यहां पर हमने कहा है it is also a leader. अगर मैंने आपसे कहा कि आप सुंदर हो साथ ही साथ आप पढ़ाकू भी हो, तो अगर मैं भी कह रहा हूं तो भी वाली बात सेकेंड स्टेटमेंट होगी हमेशा, यानी कि सेंटेंस हमारा डी से शुरू नहीं हो सकता। तो आप इसे हटा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे हटाते हैं तो आप इसका मतलब ये जो है लीडर की बात कर रहा है, और किसमें वो लीडर है, वो लीडर है प्रोड्यूसर है इसमें भी, तो लीडर इसमें भी है, यानी कि ए के बाद क्या आएगा, डी। अगर ए के बाद डी आएगा तो यहां पर आ रहा है सभी में, ए के बाद में डी आ रहा है, ठीक। यहां बी से शुरू हो रहा है, यहां बी से शुरू हो रहा है, यहां ए से शुरू हो रहा है। अब देखो ई में कह रहा है कि इट हैज बीन, भाई इट से तो हो नहीं सकता क्योंकि इट का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, पहले मुझे यूनाइटेड स्टेट्स को लाना पड़ेगा, तो मैं इसे भी हटा दूंगा। बचा हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड अ डोमिनेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब मैंने इस बात को कह लिया तो मैं इस बात को प्रूव करूंगा क्यों है ऐसा। डोमिनेंट पोजिशन इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स नॉर्मल इनॉर्मस आउटपुट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मेजर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, इसलिए एज वर्ल्ड ट्रेड में इसका मेजर शेयर है। इट हैज बीन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स, इट इज ऑल्सो लीडर इन दिस, यानी कि ए के बाद आएगा डी। आंसर हुआ हमारा ए पार्ट, बी सी ए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली या नहीं मिली। अगर मिली है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि इस कैसे आपको पैरा जंबल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अभी इससे इस टॉपिक पे करीब आपके दो वीडियो और आएंगे जिसमें मैं आपको ये दोनों जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सीजीएल 2018 के पूछे गए टीयर 1 में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं अगले दो दिन तक और आपको पैरा जंबल का वीडियो मिलने वाला है, उसके बाद हम क्लोज टेस्ट की तरफ जाएंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन की तरफ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, देखा करिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।